कल लड़ेंगे, बैठो बैठो। तुमने औरतों की ताकत देखी? देखी आदमी की ताकत, देखी आदमी की ताकत, देखी आदमी की ताकत, देखी देख ली ये और देखनी है औरत की ताकत। अभी तुमने जाना है, मार नहीं, हाथ जोड़ रही, हाथ जोड़ रही, मार रही, मार मार मत, मार मार, प्लीज 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 प्लीज। बदतमीजी करती है, मेरे को धमकी देती है हमेशा छोड़ के जाने की। टेढ़ी है, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट है, तुमने छेड़ा गुस्से में भी लड़ाई लड़ाई में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल shystyles। जी हां, मैं हूं साइमा और ये मयंक। तो जिस वीडियो का आप लोगों को इतना इंतजार था, जिसके लिए इतने कमेंट्स और पर्सनल डीएम्स इतने सारे थे, एक साल से हम यही सुन रहे थे कब शेयर करोगे, कब टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हमारी ये लव स्टोरी का व्लॉग होने वाला है। व्लॉग नहीं है ये, ओ सॉरी, लव स्टोरी हमारी होने वाली है। सो आज हम फाइनली अपनी पूरी लव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इस लव स्टोरी में खास क्या है जो लोग सुनना चाहते थे, वो ये कि वी आर डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? डिफरेंट क्या, हम तो इंटर कास्ट का इंटर रिलीजन है। शी इज मुस्लिम, आई एम हिंदू, और वो भी हिंदू में क्या, जाट, प्रॉपर जाट। एंड इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हाई डिफरेंस है हमारा। हाँ, तो जिसकी वजह से ना ये लव स्टोरी बहुत अलग है, और जब हम अब आपको सुनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। और मैं कोशिश करूंगी इसमें सारी चीजें आपके साथ शेयर करूँ। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम नहीं बता सकते हैं, तो वो चीजें हम स्किप कर देंगे। ऑब्वियसली कुछ चीजें होती है, कुछ ऐसा बना के कुछ नहीं सुनाने वाले, बना के नहीं सुनाने वाले। और हमारे पास अगर क्या बताऊं, कोई पॉइंट्स ऐसे हो जो हम भूल भी जाए, ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमने 6 साल का बहुत लंबा सफर तय किया। 7वें साल में हमारी शादी हुई है, तो शादी वाली जो स्टोरी है कि वो हमारे घर वाले कैसे माने, ठीक है, हमारे घर वालों ने कैसे हमारी शादी करवाई, क्या कैसे मिले, कैसे हमारा लव स्टार्ट हुआ, कैसे मिली, सब कुछ वो जो है वो बाद में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी लव मैरिज स्टोरी में। लव मैरिज स्टोरी, सक्सेस, लव मैरिज सक्सेस स्टोरी, जो भी आप समझ लो। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा लव स्टोरी, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं आपको बता दूं बहुत लंबी होने वाली है, बता दो कितनी लंबी होने वाली है। मुझे नहीं पता, पर हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमारी स्टोरी में ना बहुत सारे ट्विस्ट हैं, मजेदार वाली चीजें हैं, जो है मतलब आप सोचोगे ना, अगर हम आपको सुनाने बैठ जाए तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीजें हुई है हमारे साथ। ओके, सो अभी वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, और मैं आप मतलब मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी, और अगर आप हमारे स्टेज पे हो तो आप रिलेट भी कर पाओगे। एंड हैव पेशेंस, बी स्ट्रांग, एंड कभी भी कोशिश मत करना छोड़ना, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आपको इंस्पिरेशन इसी चीज से मिलेगी। एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं कुछ नहीं, हर घर की अलग कहानी होती है। अलग कहानी होती है, हर इंसान की अलग कहानी होती है, इंसान सिचुएशन अलग है, तो आप उस चीज से थोड़ा रिलेट कर भी सकते हो, थोड़ा नहीं भी करोगे। खैर, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी लव स्टोरी में चार मेन डिफरेंस, तीन ही मेन है, चौथा इतना मायने नहीं रखता, बट लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत मायने भी रखता है, कई बार हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है। तो चार मेन डिफरेंसेस क्या थे? सबसे पहला है रिलीजन, मैं मुस्लिम हूँ, मयंक हिंदू है, ठीक है। सेकंड हमारे में है हाइट डिफरेंस, मयंक 6'7" है, मैं 5'1" हूँ। आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस है यहाँ, 6 फुट। एंड थर्ड डिफरेंस हमारे बीच में है एज डिफरेंस, जी हाँ, मैं मयंक से डेढ़ साल से ऊपर हूँ, हाँ 2 के आसपास हूँ, 2 साल बड़ी हूँ मैं मयंक से, मयंक से छोटा है। और फोर्थ डिफरेंस जो था, अब नहीं है, था वो था स्टेटस का डिफरेंस, ठीक है, हमारे बीच में स्टेटस का डिफरेंस था शादी से, इतना मायने नहीं रखता, बट कुछ लोगों के लिए रखता। मैं बता दूं, ये चार डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से हमारी शादी होना इम्पॉसिबल थी, बट हमने पॉसिबल किया, हर कीमत पे किया। तो अब स्टार्ट करते हैं, तो हम मिले कैसे? तो हमें अपने, हमने हमारी पहली मुलाकात एक ब्लॉग बनाया था, उसमें हमने बताया था कि हम कैसे मिले। तो मैं मयंक से पहली बार तो मिली थी, पहली बार जो मैं मिली थी मयंक से, वो मिली थी मैं अपने कॉलेज के बाहर, ठीक है। तो मैंने बताया था वो, हाँ, फ्लाईओवर भी जो वीडियोस हमारे रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा कौन से फ्लाईओवर के नीचे मिला था पहली बार, फोटो वर्क के नीचे। आप अगर हमारे को पहले से जानना चाहते हो, हमारे बारे में जानना चाहते हो, अगर आप पहले नए हो तो आप हमारे व्लॉग चैनल्स को चेक कर सकते हो, shystyles व्लॉग और मासाट्यूबर, इस पे आपको हमारी सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो मैं मयंक से पहली बार क्या था, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मयंक का नंबर मुझे मिला था। मैंने मयंक को कितने बजे हाय बोला था? 9:15 रात के, एग्जैक्टली मेरे को याद है। और वो डेट है हमारी 21/09, यानी 21 तारीख नवा महीना, जो मैं बहुत स्पेशल मानता है और हमेशा मानता रहेगा। उसके बाद हाय हेलो हुआ नॉर्मल, हम मिले 1st October 2014 को, ठीक है, हम वहाँ पे पहली बार मिले। तो मयंक ने मुझे कभी साइमा नहीं बोला, 9 बजे, हाँ 9 बजे हम सुबह मिले थे। पहली बार मुझे उसका नाम पता चला साइमा, तो मैंने उसी दिन सोच लिया, मैंने नाम तोड़ा मुड़ा, मैं साइमा बार बोलूंगा, साइमा साइमा, बहुत अजीब सी वो आ रही थी वाइब, मैंने कहा नहीं
मैंने उसी दिन पहले दिन इसका नाम तोड़ मोड़ के शाय, हाँ, शाय क्योंकि मैं शर्मिली नहीं हूँ इतनी भी नहीं हूँ, पर मैंने कहा कोई नहीं, मैं मेरे को नाम शाय पसंद आ रहा है इसलिए मैं तेरे को आज से नाम देता हूँ। हाँ। ये 21 तारीख की बात है, 22 तारीख की बात है, मैं इसको नाम दिया शाय। हाँ, 22 तारीख को नाम शाय दिया। तो वो फर्स्ट डे था 21 अक्टूबर जो हम पहली बार मयंक से मेरी मुलाकात हुई थी, मयंक की मेरी मुलाकात हुई, और मैं आपको बता दूं पहली मुलाकात में मयंक ने मुझे लात मार दी थी। हम पहली मुलाकात में मैंने आज तक कभी किसी लड़की के लिए चॉकलेट नहीं खरीदी, कभी मैंने चॉकलेट नहीं खरीदी मयंक, मैंने इसके लिए खरीदी कोई 70 रुपए की चॉकलेट खरीदी, मैंने इसको लाके दी, पापा से मैं गाड़ी मांग के ले गया शेवरले बीट, उस गाड़ी में फिट नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैं फुसा के ले गया कि उस वक्त गाड़ी पर्सनल मिली नहीं थी 2014 में, मतलब सबकी कोई भी पर्सनल कार नहीं थी घर में, तो मैं लेके गया, मैंने शाय को पिक किया, शाय को चॉकलेट दी, और उसके बाद शाय ने चॉकलेट खाई, कहीं जा रहे थे हम वाटर पार्क जा रहे थे, तो वहां पे पहुंचे, वहां पे रास्ते में पहुंचते पहुंचते शाय ने मेरी वो कर दी और वॉमिट कर दी, और मैं देखू खड़ो के, मैंने कहा यार मैंने 70 रुपए की चॉकलेट दी इसने वॉमिट कर दिया। खाने के बाद उसके बाद फिर गाड़ी में बैठे जैसे जैसे हम पहुंचे, पहले वाटर पार्क में एंजॉय किया, उसके बीच में भी हमारा वाटर पार्क में इंसिडेंट हुआ, मैंने पहले दिन पहली मुलाकात में मैंने शाय को लात मारी थी गलती से, जो वाटर पार्क का वो स्लाइडिंग वाला था ना, तो मैं बताऊं ये शाय तो स्लाइड करके, अब शाय मेरा आगे थी और मैं पीछे था, अब शाय वाटर स्लाइड तो कर गई और खड़े होकर वहां देख रही है मयंक आ रहा है, मयंक आ रहा है, और बिल्कुल जहां स्लाइड जहां से आप निकलते हो स्लाइड से वहां खड़े होकर मयंक आ रहा है, मयंक आ रहा है, अब मयंक को तो नहीं पता ना नीचे कोने पे खड़ी हुई है वो मैडम वहां पे, अब मैं भी तो स्पीड से आया, बॉडी वेट मेरे में ज्यादा था, ये शायद बिल्कुल वहां खड़ी हुई थी, सेंटर में से खड़ी थी, घुटना लगा, मैंने पैर मोड़ने की कोशिश तो की, दिक्कत गई थी मेरे को, पर मैंने मोड़ने की कोशिश, पर जहां लग चुकी थी और ये बेहोश, लिटरली बेहोश, और ऐसे पड़ी है, इसका हाथ पकड़ा, इसे बाहर निकाला, बिठाया, वो पहली मुलाकात, हम ऐसा फ्रेंड मिले थे कुछ नहीं, हम बिल्कुल दोस्त की तरह मिले थे, बिल्कुल दोस्त, ये बेहोश उस टाइम पे, हाँ, तो ये हमारी पहली मुलाकात में, ये पहली मुलाकात में मैंने मैडम को बेहोश कर दिया था लात मार के। उसके बाद फिर हम नॉर्मल बातचीत करते रहे, तो हम यूजुअली हमारा जो फ्रेंड था ना जिसके थ्रू हम मिले थे या जिससे हम बातचीत, वो हम नॉर्मली फ्रेंड बने थे, तो मयंक उस टाइम पे 19 का था, जी हाँ मैं 21 की थी, तो मयंक बैडमिंटन क्लासेस लेता था, मैं लेता भी था और देता भी था, कोच भी था वो, अपने बड़ों से लेता था, छोटों को देता था, वहां पे साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जी हाँ, तो वहां पे मैं कभी कभार जाया करती थी, मुलाकात होती थी मेरी, बट मयंक के ना एक बहुत अलग ही नेचर था, हम लोग जस्ट फ्रेंड्स थे बट बहुत ही अलग, मतलब वो ना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मतलब इग्नोरेंस वाला नेचर मेरे को लगा था कि मुझे इग्नोर करता है, बहुत ही रेयर बातें करता है, उसे बहुत ज्यादा बातें नहीं करता था, अब मुझे पता चला उसका रीजन, मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो क्यों इग्नोरेंस वाला नेचर देता था, तो हमारी मुलाकात इस तरीके से हुई, मुलाकात से हुई, फिर हम अच्छे दोस्त बने और मतलब बिल्कुल दोस्त रहे, हमारे ऐसे हमारे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, बिल्कुल 2014 निकल गया 3 महीने, उसके बाद पूरा 2015 निकल गया, उसके बाद 2016 आया, मयंक का तो था, मयंक के दिल में तो था, पर उस बीच मैं इसे अपनी बहन से, बड़ी बहन आकांक्षा खुशबू से मिलवा चुका था, मैं कुछ टाइम निकला, लेकिन हाँ ये था कि मैं मयंक को बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी और मयंक ने भी हमेशा मुझे ये प्रिटेंड किया कि वो मुझे फ्रेंड मानता है, बट बाद में मुझे पता चला कि नहीं कुछ और है, तो सुनो सही, उसके बाद 2016 आया, 2016 में मेरी बहन की शादी थी, बड़ी वाली काशिद की शादी थी, तो उसमें मैंने शाय को बुलाया था, शाय को शॉपिंग भी करा के लाया था मैं, कहाँ से, सरोजिनी नगर, सरोजिनी नगर से साड़ी खरीदी थी मैंने, कौन सी कोई मार्केट है पीछे, कोई मार्केट थी, बाबू मार्केट से साड़ी खरीदी थी, गोल्डन ब्लाउज था और ऑरेंज सी थोड़ी सी वो थी साड़ी, और मैंने तगड़वन में दिलवाया था गोल्डन कलर का, आज भी वो साड़ी मेरे पास है, बिल्कुल मिलवाया था, उसके बाद फिर लास्ट फिर डेट तो हमें याद नहीं क्यों, हमने एक दूसरे को ऐसे कभी प्रपोज नहीं किया कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं या इस दोस्ती के रिलेशन को प्यार के रिलेशन में लेके जाते हैं, ऐसा सच कोई बात नहीं हुई थी, धीरे 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 करते 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 हमें आज तक डेट नहीं पता चला कि हम कब एक दूसरे से के साथ मतलब रिलेशन में आ गए, एक दूसरे को पसंद से प्यार करने लगे, नहीं पता हमें बिल्कुल नहीं पता चला, मुझे डेट भी नहीं पता, 2016 में हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी और शाय को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं शाय को मतलब पसंद तो देखो शायद पहले दिन से थी, पहले दिन के पहले मैसेज से, और ये मेरी लाइफ की पहली लड़की है जिससे मैंने बात की थी, इसके अलावा मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी लड़की से बात नहीं की, कभी किसी से भी कोई भी वीडियो भी देख रहा होगा तो भाई कोई प्रूफ करे दिखा दे इस चीज को, कोई भी नहीं, एक बात बताओ, ये स्कूल से जस्ट पास आउट हुआ था और मैं सेकंड थर्ड ईयर में थी, हां नहीं नहीं मैं अपने इंटर्नशिप में थी, मैं 2013 पास आउट हूं, हमारे बीच में बातचीत शुरू हो गई, तो मतलब मयंक की लाइफ की पहली लड़की जो उसकी बीवी है आज, उसके बच्चे की माँ है,
ऐसे ही 2014 में ऐसे स्टार्ट हुआ, 2015 आ गया और हम काफी बार मुलाकात हुई हमारी. मतलब ऐसा था कि मैं उनको किसी ना किसी बहाने मैंने आज तक अभी शायद को मैंने पता चलने दिया कि मैं इससे मिलने के बहाने ढूंढ रहा हूँ. मैं वो सिचुएशन क्रिएट कर देता था कि हमें मिलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए मिलना ही पड़ेगा. और मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता था, सच में ऐसी क्रिएट करता था कि इसको पता नहीं चलता था कि मैं इससे मिलने के बहाने ढूंढ रहा हूँ और हमें मिलना होता था. और ये चीज मुझे जब पता चली, जब ऑफिशियली हमें पता चल गया कि हाँ भाई हम एक रिलेशनशिप में है, तब मुझे मैंने सब चीज बताई कि मैं क्यों, मैंने कितने डोरे डाले तेरे में खुद नहीं पता चला. तुझे मैंने मजबूर कर दिया तुझे मुझसे प्यार करने के लिए. तो मुझे सच में नहीं पता था. और मैं ने हर एक वो चीज करी जिससे कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट रहूं. मतलब हर एक चीज में, और वो कोई फेक नहीं था, वो बिल्कुल रियल चीजें थी. जैसे कि मेरे को कोई भी चीज खूबसूरत लगती थी तो वो मेरी बातों को. पहली चीज शायद ने मुझे मजाक में बोला 2014 में अक्टूबर में, पहली चीज जो थी वो एक लिपस्टिक थी. 2014 नहीं है मैं को, आई गेस 2015 के बाद, 16 के बाद है. मेरे को मेकअप का शौक ही 2016 के बाद. पर मैंने पहले लिपस्टिक तो मैं ऐसे गिफ्ट की थी, मुझे याद है. वो है फ्लेमिंग फूशिया, मेबलिन की फ्लेमिंग फूशिया. नहीं, वो तो एक अलग कहानी है. उससे पहले मैंने ऑनलाइन अमेज़न से ऑर्डर की थी और तुम्हारे घर के नीचे मैंने कहा था मैं रख जाऊंगा, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए तो फेंक देना, तुमने मना किया था नहीं चाहिए. अरे आपको बता दूं कि जब मैंग से मेरी मुलाकात हुई थी 2014 में, 2015 में मेरा बर्थडे था, पहला बर्थडे जो मैंग के साथ मनने वाला था. 22 of Jan 2015. ठीक है, उसके नेक्स्ट डे मयंक को निकलना था मनाली शिमला के लिए फैमिली के साथ. ठीक है, मयंक ने मेरे लिए स्पेशली, कभी किसी ने मेरे को इतना अच्छा से पैम्पर नहीं किया. मयंक लिटरली पूरी रात बाहर घर के आके उसने मुझे 12 बजे विश किया. और उस वो एक टाइम था जब मैं यू नो ऐसा मैंने फील किया कि हाँ भाई कोई मुझे स्पेशल फील करा रहा है. सो वो एक पॉइंट था जो मयंक शायद ने मजाक में कभी बोला था कि यार मुझे बहुत बड़ा गुड्डा बहुत पसंद है, बहुत बड़ा सॉफ्ट टॉय. मैं गया बाइक स्टार्ट किए, मैंने मेट्रो पे लगाई. उस वक्त गाड़ी नहीं थी तो मैं बाइक से ट्रैवल करता. उसके बाद फिर मैं गया ऑटो से मार्केट, चांदनी चौक में कोई स्टफ टॉय की मार्केट है सदर बाजार में, वहां से मैंने इतना बड़ा साइकिल चौधरी, जो आपने साइकिल ब्लॉग्स में देखा होगा, वो बड़ा वाला चौधरी मैंने खरीदा. उसके बाद मैंने उसे कैसे तैसे पैक किया, पैक करवाया. मैं पूछा कि इसको मेट्रो से लेके चलते हैं, मेट्रो में वो मशीन में घुसा ही नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि सारी मशीन में दूसरा का सामान, तो आप इससे नहीं जा सकते, उसे ऑटो से ले जाओ. मैंने वापस ऑटो किया, उसे लेके आया, इसलिए उसका नाम चौधरी रखा कि हम साले मेट्रो से चल रहे हैं और ये साला ऑटो से जा रहा है. गुड डॉन का नाम चौधरी रखा था क्योंकि वो चौधरी की तरह ऑटो में आया. उसके बाद फिर गाड़ी लगा के फिर शाया केक काटा, उसको शाया को प्रेजेंट दिया, डिग्गी खोला, वो इतना बड़ा गुड्डा बैठा हुआ था और स्काई शॉट्स लेके आया था 120 वाला जो चलाए थे. मैंने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे केक कटवाया था बीचों बीच रोड पे एंड मुझे वो चौधरी गिफ्ट किया था स्काई शॉट्स से. बहुत ही अच्छा था वो मेरा बर्थडे, मेरा फर्स्ट बर्थडे था और वो मेरा फर्स्ट गिफ्ट भी था जो आज भी मेरे घर पर है. इसके बाद जो मुझे शाय ने फिर मेरे बर्थडे पे एक टी शर्ट गिफ्ट की थी, वो भी आज भी मैं मेरे अलमारी में आज तक रखी है. वो मीडियम या लार्ज साइज होगा, वो मैं आज तक पहन नहीं पाया पर वो रखी है एज इट इज, क्योंकि वो मैं को कलर नहीं पसंद था. कलर क्या है, वो साइज भी नहीं है आया मेरे को. मैंने कहा मेरे को साइजेस नहीं पता थे मैं इनके लिए. फिर पोस्ट पीएससी में एडमिशन लिया था, तो जैसे ही मेरे 5 बजे क्लासेस खत्म हो जाती थी, 5 से 6 का टाइम होता था, मेरे ज्यादा टाइम नहीं होता था, तो भी हम यू नो थोड़ी देर के लिए मिल लेते थे, कभी मोमोज खा लेते थे. और उसके बाद से मैं मोटी होना शुरू हो गई थी. जब मैं मिली थी मैं इनसे, मेरा वेट था 36. पिक्चर्स होंगे हमारे पास है ना, हमने शायद ही ऐसा कोई आइटम हो ना छोड़ो, मतलब जो छोड़ दिया हो, नहीं तो जो भी चीज होती थी ना, जो भी हमें दिख रही फेसबुक पे इंस्टा पे, हम उसे ट्राई करने भाग जाते थे. और मैं मेरी कोई भी चीज जिसे मैंने बोल दिया कि मुझे ये खाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज वो मैं ना खाऊं, उसे नेक्स्ट डे ही वो मुझे वहां लेके जाता था, नेक्स्ट डे ही वो मुझे वो खिलाता था. अगर मैंने कह दिया मुझे ये पसंद है तो वो मुझे वो चीज दिलाता ही. ये सब एज अ फ्रेंड इसको लगता था, पर मुझे दिमाग में था फ्रेंड है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे में ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था. मैं बहुत ही लुल थी उस टाइम पे, बहुत लुल जिसे कहते हैं एकदम लुल, जीरो मतलब दिमाग से जीरो एकदम, वो लड़की थी. मैं किसी की भी बात पे सच यकीन बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेती थी किसी ने मुझे बोल दिया. बट सबसे अच्छी बात थी कि मैं मुझे उस टाइम पे मिला कि जब कोई किसी के साथ गलत कर सकता है, मुझे मैं ने मतलब मुझे बस एक संभाल के रखा कि नहीं इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा. तो 2015 निकला, 2016 आया, एक साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया मैं इनके साथ, मुझे पता भी नहीं चला कैसे. हाँ मैं माइंग को बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी, मैं बहुत अच्छा मुझे लाइक भी करती थी मैं माइंग को, बट तब ऐसे इंट्यूशंस नहीं थे मेरे अंदर कि हम लवर बनेंगे या शादी होगी, क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत क्लियर थी मेरे माइंड में उस टाइम पे कि हम दोनों बहुत अलग हैं हाइट में, एज में और रिलीजन. सबसे हमारी शादी नहीं हो सकती शायद के दिमाग में पहले दिन से था, तो इसलिए मैं की साइड जाना ही नहीं है मैंने क्लियर करके रखी थी. और मेरे दिमाग में ये था चाहे कुछ हो जाए
बट मैं इसे पटाके छोड़ूंगा सब कुछ मैं पटाके छोड़ूंगा शादी की बात की तो पहले मैं इसे पटाके छोड़ूंगा उसके बाद शादी के लिए भी मना लूंगा. मेरे सच में दिलो दिमाग पे कहीं से भी नहीं था. फिर 2016 में आकांक्षा दीदी की शादी थी, तभी हम फ्रेंड थे, तब मैंग ने मुझे इन्वाइट किया दीदी की शादी के लिए. मैंने कहा चलो ठीक है आऊंगी, बट मैंग मेरे को कुछ भी नहीं आता, मतलब मैं कैसे आऊंगी कैसे रेडी होंगी. फिर मैंग ने मुझे सब कुछ बताया कि शॉपिंग कर ले जो तुझे चाहिए वो, तेरे को हर एक चीज मैंग ने मेरी हमेशा हेल्प करी है. फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग भी नहीं थी क्योंकि मेरे को पॉकेट मनी मिलता था, स्टूडेंट थी मैं, तो मैं मेरी 300 रुपए पॉकेट मनी जिसके अंदर इसका ऑटोग्राफ था, 500 रुपए जिसके अंदर इसका घर से कॉलेज तक का ऑटोग्राफ था. खर्चे भी नहीं थे, बट मयंक मेरे को मेरी हर एक चीजों को पूरा कर देता था. ऐसे मेरे कोई खास शौक भी नहीं थे उस टाइम, मेरे शौक नहीं थे उस टाइम, सपने बड़े थे पर शौक नहीं थे. सपने थे कि कभी कुछ करूंगी कभी कुछ करूंगी. फिर आई दीदी की शादी, मैं पहली बार मयंक के घर वालों से मिली, किसी ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर शादी में एक बहुत सुंदर लड़की आई थी ये सब में ध्यान दिया था. और वो कौन थी शादी के बाद तो चला था, इसके लिए रिश्ता भी आया था मेरी शादी में. फिर मम्मी ने कहा कि नहीं अरेंज नहीं हो सकती है, मुस्लिम वो है. मुस्लिम है शादी रिश्ता आया कि यार आपकी शादी में ना एक लड़की आई थी ऑरेंज सी साड़ी में, बड़ी सुंदर सी थी, वो कौन थी? तब बता रहे वो मायंक की फ्रेंड थी. मैंने कहा मेरे माल पे डाका. सबने कहा अरे मयंक की फ्रेंड थी. तो कह रहे मयंक की फ्रेंड, मयंक की तो कभी कोई लड़की फ्रेंड हुई नहीं. नहीं नहीं वो मयंक की ही फ्रेंड थी, जस्ट फ्रेंड थी, तो इसलिए जस्ट फ्रेंड का टैग मिला हुआ था मुझे और जस्ट फ्रेंड ही थी मैं, तो इतना ध्यान नहीं दिया किसी ने. और वो टाइम था जब मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया. उस टाइम में नहीं, उस टाइम यूट्यूब शायद देखना स्टार्ट किया. आपने यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दिया था. और इसके मेरे को आज तक वो डायलॉग याद है, मतलब डायलॉग में से एक बात बोली, इसकी कोई डॉक्टर थी पता नहीं, कोई कंसल्टेंट थी, उसने पता नहीं कोई एक महंगा ब्रांड यूज किया था. और शायद मेरे पास गाड़ी में सुबह मैं इसको पिक करने जाता था, मैं इसको कभी ऑटो में जाने था, मैं कभी बस में जाने था, मैं ही जाने दिया, मैं लेके भी जाता था, मैं इसको पिक भी करता था ड्रॉप भी करता था, मतलब ऐसा सब चीज करता था. तो उसके बाद इसने आके बोला मयंक यार उसने इतना महंगा मेकअप निकाल के, उसने इतनी महंगी लिपस्टिक की, उसके मुझे नाम भी याद नहीं उस ब्रांड का यार, मयंक यार इतनी शुगर है वो, वहाँ कोई महंगी सी ब्रांड का नाम लिया था कि यार वो डॉक्टर ये वाली यूज कर रही थी लिपस्टिक यार ये वो. और शायद तो उस टाइम पे नहीं था फाइनेंशियली, तो 30-20 रुपए वाली लिपस्टिक ज्यादा कुछ नहीं. मेरे पास भी महंगे मेकअप होंगे, मेरे पास भी ये सब कुछ होगा. तो शायद यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, तो 2016 में, पर कभी शूट करने की हिम्मत नहीं हुई. और ना कैमरा था और ना मोबाइल था, फोन भी एक सैमसंग का फोन था, सैमसंग का J2 J1 कुछ करके मोबाइल था, जो सिर्फ नाम मतलब अच्छा मोबाइल था 7-8 हज़ार का, पर उसमें सच मतलब आप वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते बिल्कुल ही. तो उस टाइम पे मेरी थोड़ी बहुत सोर्स ऑफ इनकम था. और दूसरी बात, मैं ना यूट्यूब एक मुझे बहुत डर भी लगता था. यूट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लव स्टोरी में, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और आज हम यूट्यूबर भी हैं, सक्सेसफुल हैं आप लोगों की दुआ से, इसलिए थैंक यू बोलते हैं हम आपको अभी यहाँ पे. अब आपको मैं आगे कहानी सुनाता हूँ उसके बाद. चलो ठीक है, लव स्टोरी बाद है, पहले इनकी सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ. जो सक्सेस लव हमने हर चीज 19 साल की उम्र से जब बंदा दुनिया देखता है ना, हमने उस टाइम से हर चीज साथ देखी. आज हम 27 साल के हो रखे हैं, तो हमने हर चीज सारे फेज जो निकल जाते हैं ना उसमें, आदमी बिगड़ने के, संभलने के, प्यार के, मोहब्बत के, डिच के, सब चीज के हमने एक साथ देखे हैं. तो फिर अब मैंने सोचा कि यार अब शाय को यूट्यूब स्टार्ट करना है, इसका बहुत मन है. तो अब आया 2017 22 जनवरी शाय का बर्थडे. नोटबंदी लगी हुई थी कहीं से भी, मतलब आप 2000 नोट उस टाइम पे मिलना इतनी बड़ी बात हो चुकी थी. पर मैंने कैश ही नहीं था लोगों के पास, कैश ही नहीं था, बिल्कुल भी कैश नहीं था कि भाई आप निकल चाहता विड्रॉ नहीं करा सकते. पर कैसे भी मैंने जुगाड़ लगा लोगों के, उस टाइम पे वन प्लस ने अपना 3T लॉन्च किया था, OnePlus 3T. और वो इतना चला था OnePlus 3T, इतना चला था वो मैंने कैसे भी जोड़ जाड़ के 30,000 रुपए का फोन था वो लिया. और शाय के लिए कम 4-5 ब्रशेस के सेट लिए, एक टेडी बियर लिया और अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया, क्योंकि शाय का हमेशा से मन था कि किसी क्लब में बर्थडे मनाने का. तो सारे दोस्तों को हम, मैंने भी क्लब नहीं देखा था, मैं क्लब वाला बंदा नहीं था ना, शाय ने देखा था. तो मैंने क्लब लंदन था एक दोस्त से बोल के वो बुक करवाया, सारे अपने कम से कम 15-20-22 दोस्तों को इनवाइट किया, सब शाय के लिए गिफ्ट लेके. शाय को गिफ्ट बहुत पसंद थे, गिफ्ट हर किसी को पसंद था, मुझे पसंद था, मुझे गिफ्ट दे. और ब्रशेस सेट थे, उसके बाद फिर वो सब कुछ हो गया, ब्रशेस सेट दिए शाय को, सबने गिफ्ट दिए, केक काटा. फिर लास्ट में मैंने शाय को मोबाइल रैप्ड था, मैंने शाय को दिया.
वो वीडियो शायद पड़ी होगी शायद मेरे स्नैपचैट वगैरह पे, शाय ने खोला और शाय ने देख के शायद रोना स्टार्ट, शाय ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगी, बिल्कुल भी नहीं लूंगी ये मोबाइल, बहुत एक्सपेंसिव था वो, 30,000 रुपए लॉकडाउन। ये लगा लो जब मैंने फोन लिया था ना डिलीवर पे आया था तो कैश ऑन डिलीवरी था, तो मैंने उसको डिलीवरी बॉय को जब मैंने नोट दिए तो वो मान ही रहा था कि असली नोट है, इतने सारे 15 नोट आप कैसे लेके आया असली इस टाइम पे। मैंने कहा भाई तू ले यार, नकली नहीं है तो मेरे घर पे चल के चेक कर ले यार, तो बैंक में जाकर चेक करा ला। तो मैंने शाय को वो 3D दिया था क्यों मुझे, तुम रोने लग गए? अरे वाह 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 वाह, रोने लग गई, अभी तो स्टोरी स्टार्ट भी नहीं है, इससे पहले रोने लग गई है। उसके बाद फिर भाई शाय ने, देखो कुछ होता है कि अगर आप किसी को मैक्सेस में गिफ्ट देते तो उसको उस चीज़ की लत लग जाती है और वो आपको लूटना स्टार्ट करती है, आपको बर्बाद करना स्टार्ट करती है, जो भी ये कर लो, या उसको आपकी आदत लग जाती है कि यार आप उसको हर चीज़ लाओगे। नहीं, मैंने शाय को मोबाइल गिफ्ट किया, 30,000 का मोबाइल था, मैंने अपनी जितनी भी थी मैंने सारी सेविंग उसमें लगा दी। उसके बाद सुनो क्या, उसके बाद स्टार्ट हो गया, शाय ने उस फोन से पहली वीडियो बनाई अपनी, पहली वीडियो बनाई 2016 में दीदी की शादी से। यूट्यूब मैंने देखना शुरू कर दिया था और मुझे ना, मैं श्रेया जैन, अंकिता श्रीवास्तव और भी अदर यूट्यूबर्स को जो देखना बहुत पसंद था, मैं मयंक को हमेशा आके कहती थी हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, तो मयंक मुझ पे खुश होता था, कहता तू चाहती है। मैंने कहा मेरा बहुत मन है मयंक मैं भी यूट्यूब बनाऊँ, बट मुझे इंग्लिश नहीं आती मयंक, मेरे पास मेकअप नहीं है, मैं सारी चीजें अपनी, एक बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना वो मयंक मेरे लिए था, है और शायद रहेगा। आज तो लवर हो चुके थे हम, लेकिन बेस्ट फ्रेंड वाली जो फील थी ना, हम बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहे, हम हंसी मजाक जैसे करते हैं वैसे ही फ्रेंड की तरह करते हैं। आज भी मैं मयंक को अपने, हमने कभी बाबू सोना वाला नहीं किया, कहते हैं हम ऐसा नहीं, बेबी बेबी बोलते हैं ना बाबू, पर वो नहीं, बिल्कुल ही हम एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा हंसी मजाक करते रहे हैं। मैंने 2017 में जो फोन मिला ना, तब उससे मैंने काफी पिक्चर्स एंड क्लिक की, बहुत अच्छा फोन था उस टाइम पे, वो बहुत ही प्यारा फोन था, इवन आज भी वो फोन संभाल के रखा है मयंक, आप मानोगे, फोन वो अभी भी हमारे पास रखा है, 4 साल पुराना फोन। उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो थी मेरे फोन से शूट हुई थी, मेरी डांस की वीडियो, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। सेकंड वीडियो वॉक लाइक अ प्रो, वॉक लाइक अ मोशन, उसके अंदर 30 में पहला फीचर आया था स्लो मोशन का, स्लो मो बहुत चला था वो, वो भी अभी भी मेरे शायद चैनल पे वो होगा वीडियो। उसके बाद फिर मैंने इंट्रो ऑफ मैंने, उसके बाद था इंट्रो ऑफ मैंने, इंट्रो ऑफ मैंने पता नहीं हटाया नहीं हटाया, वो बहुत ही वाहियात इंट्रो था, आवाज ही नहीं, बहुत देर बोल दी कि उसके पीछे पापा सो रहे थे, मेरे पापा पीछे थे और मैंने छुप के वो चीज करने की कोशिश की थी, मैंने घर में नहीं बताया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम की मेंटालिटी बहुत अलग थी कि नहीं भाई ये नहीं करना सही नहीं है गलत, तो मैंने वो स्टार्ट किया एंड मयंक ने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया, जो कहते हैं ना एक फुल सपोर्ट यूट्यूब पे, वो मयंक था, उसके बाद मेरी मम्मी थी, हमेशा दोनों मेरे साथ रहे। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और फिर धीरे करके जो स्ट्रगल मैंने यूट्यूब पे, कभी आपके साथ मैंने यूट्यूब की स्टोरी शेयर किया, चाहो तो आप वो देख लेना, वो हमारी लाइफ का बहुत बहुत बड़ा पार्ट था, मैं अपने आप को मैंने स्टेबल किया, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही थी, मतलब कुछ करना है और मैंने अपना पूरा टाइम शाय के पीछे लगा दिया कि शाय को कुछ बनाना है, शाय को कुछ बनना है, कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकाला, सिर्फ मेरे लिए निकाला। जितने भी आपने 2018 या 2019 से पहले जितने भी शूट देखे हुए ना, ऊपर में जो हुए हैं वो सारे मेरे ही हुए, जितने मैं आउटफिट शूट करती थी और इवन जहां भी मुझे जाना होता था ना, किसी भी वेन्यू पे, किसी भी यूट्यूब के कहीं भी, मयंक अपना सब कुछ छोड़ के, मैं बता रही हूँ सब कुछ छोड़ के, वो हमेशा ये होता था कि मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तुझे जहां जाना है मैं तुझे ड्रॉप करूंगा, मैं तुझे पिक करूंगा, दुनिया में कोई भी कुछ भी कर ले मैं ही हूँ और कोई नहीं, मतलब मैंने कभी दुनिया इसके अलावा देखी ही नहीं। वो बिजनेस था, वो पापा भी हैंड मतलब देख लेते थे और मैं भी संभाल लेता था, तो इसलिए ऐसे हाँ। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई कभी, मतलब जाने में आने में, छोटा भी था तब, हम 22 के ही हुए थे, 22 के ही थे, ज्यादा थे नहीं तो इतने कुछ नहीं। फिर मैंने YouTube पे एक ऐसा टाइम भी देखा जब मैं बिल्कुल यू नो मैं टूट गई थी, ब्रेकडाउन जो कहते हैं, तभी मैं जुलाई की बात है कि शाय के ना 1000 सब्सक्राइबर्स और ना व्यूजर, रोना स्टार्ट मयंक मेरे पास आई, मयंक यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ नहीं, और रोना स्टार्ट इसका कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मैं YouTube छोड़ दूंगी नहीं, तो ये लगा लो मैं जिस क्लब में भी जाता था कहीं बैठता भी था, कोई अननोन मेरे को मिल भी गया साइड में बैठा हुआ, मैं उसका फोन लेके शाय चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा ताकि मैं खुश हूँ और मुझे ऐसा लगे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मेरी खुशी के लिए मैं ऐसा करता था। और बताऊँ मतलब मैं इस चीज को ना सोचती हूँ ना कभी कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी मैं अर्न करना चाहती थी, मैं सच्चाई बता रही हूँ, मैं चाहती थी कि मैं अर्न करूँ, मयंक ने मेरे ऊपर बहुत कुछ किया है, बहुत ही मेरे लिए चीजें सोची हैं, दिलाई हैं, मैं चाहती थी जब मैं अर्न करूंगी तो वो मैं मयंक के लिए करूंगी, वो भी आगे आएगा सोरी आपको बताएंगे, तो ये चीजें मैं चाहती थी। मुझे 10 से 11 महीने लग गए अपने यूट्यूब को स्टैंड लेने में, पर मैंने छोड़ा नहीं, मयंक ने मुझे बहुत हौसला दिया, टेंशन मत ले अभी कुछ नहीं है, इससे तुझे कुछ जा तो नहीं रहना, मिल ही रहा है तो करती रहे। मैं एंटर कर चुकी थी अपने पोस्ट बीएससी, नॉट एंटर, मैं अपना पोस्ट बीएससी खत्म कर चुकी थी, 2018 स्टार्ट हुआ, जॉब आई, जॉब का टाइम आया, 2018 आई, शायद ने जॉब करनी स्टार्ट की, 2017 में ही करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, एंड में वो नवंबर 6 में, कौन सा असाइलम में जब जॉब की थी वहां पे,
मांडी में ये वो तब मैं स्टूडेंट थी मुझे याद है 2017 में ही एंड की मुझे जनवरी फेब की पोस्टिंग थी स्टार्टिंग की ना आप मुझे लेके जाते थे ताऊ जो थे मायके मेरा दादाजी को ताऊ जी कहता वो बीमार रहते तो लगाओ मैंने अपनी 2 लाख किलोमीटर कैसे गाड़ी चलाई पापा देखेंगे मुझे पक्का मारेंगे मैं यहाँ से दादाजी को ले गया उनको हॉस्पिटल एडमिट करता मुझे हॉस्पिटल दादाजी को लेकर दिल्ली जाना पड़ता था मतलब एक दिन छोड़ोगे एक दिन तो मुझे वो भी एडजस्ट करना है वो मैंने कभी नहीं छोड़ा पहले दादाजी को लेकर आता था दादाजी को हॉस्पिटल एडमिट कराया वहाँ को ट्रीटमेंट चलता था तो मेरा मैं कोई मिलते थे 3 घंटे फ्री क्योंकि उन वक्त उनका डायलिसिस होता था तो मैं वापिस वसंतकुंज से वापिस आता था इधर 12 किलोमीटर दूर 12-13 किलोमीटर दूर शाय को पिक किया फिर उसको छोड़ के आता था 19 किलोमीटर छोड़ जाता था मैं 19 किलोमीटर ऐसे ही मैं पूरा दिन चलता था पूरा दिन मैं शाय को 30 दिन की शाय की पोस्टिंग थी 30 दिन मैंने एक दिन शाय को बस में नहीं जाने दिया और ना मैंने दादाजी को एक दिन भी छोड़ा एक दिन दोनों को मैंने ऐसे हैंडल किया था ना बिल्कुल भागा दौड़ी में मतलब मेरी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चला दी मैंने कुछ सालों के अंदर ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल मैं हम आपको दे रहे हैं कि मैं देख ले कितना स्ट्रगल ये अभी मेरा स्ट्रगल है फिर शायद स्ट्रगल स्टार्ट होगा आ गया जब शायद ने मेरे लिए स्ट्रगल किया सबने भाई की नहीं सब किया शायद के लिए शायद नहीं अभी तो स्टार्टिंग है ये स्टार्टिंग है स्टार्टिंग देखो हम दोनों ने दोनों फेज सारे फेज जिंदगी के जो भी हमने हर चीज साथ देखी है मैं स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल इनिशियली जो कहते हैं ना मैं बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी 2017 में यूट्यूब स्टार्ट हो चुका था 2017 का 2018 आने वाला था 2017 में मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी वो कितनी थी 7000 समथिंग कुछ थी 9000 समथिंग कुछ अप्रॉक्स 10000 मेरी फर्स्ट पेमेंट थी और आप यकीन नहीं मानोगे सबको मैंने याद रखा मतलब जितने भी मेरे क्लोज वंस थे मैंने सबके लिए गिफ्ट्स लिए थे उस पेमेंट से बट मैं मायंक को कभी नहीं भूल सकती मैंने मायंक को भी उससे गिफ्ट दिया था मुझे याद है बहुत अच्छे से इवन मेरी उससे फर्स्ट पेमेंट थी मैं जॉब करती थी यहाँ पे घानिया में सुबह 7 बजे लिटरली 7 बजे चाहे वो ठंड हो चाहे वो और ना मायंक का एक ये भी था मतलब अगर मायंक से मिलना होता था ना तो मेरा सुबह 6 बजे भी बोल दो ना कि उठ के चल शाय आना है तेरे को मैं सुबह 6 बजे बोल दूँ मैं आ जाती थी ठंड में कड़कड़ाती लेकिन अगर मुझसे कोई ऐसे बोल दे 11 बजे चलना है भाई ठंड हो रही है मैं नहीं उठ रही मतलब मायंक के लिए मैं कभी भी किसी भी वक्त उठ सकती थी चलने के लिए और 2018 में मेरा यूट्यूब चल गया बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी चल गया पर धीरे 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 करके बट मैं कभी मायंक को दिखा नहीं सकती थी और शाय के घर में शाय के पापा को तो पता ही नहीं था कुछ का पापा को नहीं पता था मम्मी को पता था कि मैं दोस्त हैं और मेरे घर वालों को पता था कि शाय एक दोस्त है कि शादी में मिल चुके थे कि शाय नाम की लड़की और वो दोस्त और यूट्यूबर है ये भी पता और साथ में नर्सिंग भी कर रही है इतना दोस्त मतलब दोस्त से आगे कभी कुछ नहीं घर वालों को 2-3 बार शक हुआ पर मैंने बोला नहीं पापा सिर्फ दोस्त है हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी पर वो बचाने के लिए कि भाई सही टाइम नहीं है मेरे घर वालों में बोलता रहा कि नहीं पापा दोस्त है बिल्कुल दोस्त है फिर आए 2018 में दीदी की शादी दीदी की थी रिंग सेरेमनी हमारे घर पे तब मायंक ने मुझे मैंने बोला यार अब तो कुछ कोशिश करो क्योंकि मेरी एज मायंक से बड़ी थी तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्टीज थी कि मेरे घर वालों की तरफ से प्रेशर शुरू हो गया था कि तुमने पोस्ट बेसिक भी कंप्लीट कर लिया जे एनएम भी कंप्लीट कर लिया अब शादी करनी है तो मैंने मायंक को स्टार्ट कर दिया था कि अब आप शादी करनी है पर इतना भी नहीं था 2018 में इतना नहीं था तो मैंने बोला कि चल पहले स्टार्ट कर चुकी थी मैं कर चुका था तो मैंने ये चीज़ बोली कि शायद आप घर आओ रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था हमारे घर पे बहुत छोटा प्रोग्राम मतलब जिसके अंदर घर के सिर्फ खास हैं कोई भी दोस्त नहीं कुछ नहीं तो मैंने शाय को बोला शाय आप आ जाओ खुशबू दीदी तो आपको जानती है खुशबू दीदी अच्छी दोस्त मैंने पहले ही बनवा दी था खुशबू दीदी को शाय का बहुत अच्छा दोस्त मैंने पहले ही बनवा दी था कि मुझे पता है कि भाई जो पिलर मैं अभी खड़े करूँगा मुझे बाद में काम आएंगे तो मैंने पहले तो शाय के भाई फहीम को पहले मैंने शाय के भाई को अच्छा दोस्त बनाया और शाय अपनी बहन को शाय का अच्छा दोस्त बनवाया ठीक है तो ये मेरे खड़े हो गए पिलर बेस तो हमारी लव स्टोरी थी फिर पिलर था फिर जो ऊपर छत होती है माँ बाप अभी सब बता दो मैंने कैसे सबको पटाया उसके बाद में दीदी के घर आई ये बोल के मायंक ने मुझे ये बोल के बुलवाया कि शाय ना अच्छा मेकअप करना जानती है क्योंकि यूट्यूब नहीं मैंने खुशबू दीदी को बोला खुशबू बहन शाय को बुलाना शाय ने कहा कैसे बुलाऊंगा यार ये तो अगर मैं अगर शाय को बुलाऊंगा तो घर वालों को शक होगा कि तुम्हारी लव स्टोरी चल रही है इतने छोटे प्रोग्राम इतने खास में कैसे बुला सकते हैं बहन ने दिमाग लगा क्योंकि मेरी कोई भी कोई फीमेल फ्रेंड्स थी नहीं घर वालों की नजर में कभी नहीं बनी थी शायद थी तो अगर उसको मैं बार बार बुलाऊंगा इतने क्लोज मतलब इतने छोटे फंक्शन में बुलाऊंगा तो पता चल जाएगा कि भाई बहुत खास है तो मैंने बहन को बोला बहन प्लीज दिमाग लगा यार क्या कर बहन ने रात भर सोचा उसका सुबह बोला कि पापा मुझे ना मैं सोच रही हूँ बाहर से मेकअप करा लूँ शायद अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है यूट्यूब चल चुका था मम्मी देखती थी शाय को मैं शाय को बुला लेती हूँ और मैं की दोस्त है तो इस बहाने वो आ भी जाएगी और वो मेकअप भी कर देगी मम्मी ठीक है पापा ने बोला ठीक है शाय आ गई
वो उसकी अगर शायद फोटोज पड़ी होंगी, मैं आपको जो भी फोटोज है मैं आपको सेंड बता रहा हूँ जिसकी फोटोज मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी एक हार्ड एक मेरी पेन ड्राइव में मेरी सारी मेमोरीज 2014 से लेके जो शायद ने वो सिंगल फोटोज व्हाट्सएप पे भेजी ना वो भी डिलीट नहीं की, वो गलती से मेरा कैस्पर कुत्ता चबा गया उस पेन ड्राइव को, कैस्पर ने पेन ड्राइव चबा ली, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा यार वो भेजो जाने वालों से क्या बोलूं, पर बहुत दुख हुआ मुझे उस चीज का कि वो पेन ड्राइव में ही था सब कुछ जो था सारी मेमोरीज। बाकी जो ड्राइव और स्नैपचैट वगैरह में कुछ फोटोज पड़े हुए तो आपको पक्का जो भी मैं इंसिडेंट बताऊंगा उसकी फोटो आपको दिख जाएगी आपके साइड में उसके मिली, लेकिन उस टाइम भी आज भी मम्मी मुझे बताती हैं कि मैंने तब भी तुझ पे बेटा इतना ध्यान नहीं दिया था, यानी सासू माँ ठीक है कि मेरी मम्मी हाँ इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं बहुत कैजुअली मतलब कैजुअली था इतना, बट बाकी लोगों ने नोटिस कर क्या मम्मी ने तो मम्मी ने मजाक में बोला था कि यार मुझे थोड़ा ना पता था मेरा बेटा ले जाएगी ये नोटिस किया था क्योंकि मयंक की आंखों में ना एक अलग ही चमक थी, ये मम्मी ने मुझे थोड़े दिन पहले छत पे बताया कि किसी ने बोला था कि कविता मयंक पक्का इस लड़की से शादी करेगा क्योंकि इसकी आंखों में दिख रहा है, तो मम्मी कह रही तुम आंखें थोड़ी ना बताओगी, कह रही नहीं मैं बता रही हूँ जिस हिसाब से ये लड़की घर आई थी और देख रहा था मयंक जो इसके आगे पीछे लगा हुआ था उससे मैं समझ गई थी कि ये लड़का इससे 100% शादी करेगा, तो वो एक टाइम था उसके बाद मैं बहुत खुश था कि अब तो शाय घर पे आ गई है, दो तीन बार घर वालों से मिल चुकी है और घर वाले भी शाय नाम से बहुत ही मतलब फ्रैंक हो चुके हैं, फैमिली हो चुके हैं, फ्रैंक भी हो चुके हैं, तो अब शादी होना पॉसिबल है, पर हर स्टोरी लव स्टोरी एक विलन के बिना अधूरी है। तो ये विलन कौन है आपको मैं अपनी नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसमें बताऊंगी, ये विलन कौन है जिसने हमारे बीच बोए और इस विलन ने कि मरने मारने की बात तक हो चुकी थी, तो वो विलन कौन है जिसकी वजह से ये हुई ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जल्दी मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट पर, वेट करना, ये विलन बहुत विलन के बाद जो स्टोरी आने वाली है अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो ये गदर वाली स्टोरी जरूर देखना। सो गाइस अभी के लिए यहाँ पे मैं इस लव स्टोरी को एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे से देखने को मिलेगा, ये ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो गई है मैं इसे और लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेक श्योर टू लाइक, एंड अगर आप हमें बहुत प्यार करते हैं आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस फैमिली का पार्ट हो जाइए, मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको विलन के बारे में बताने के लिए, okay, विलन के बाद जो हुआ वो बताने के लिए। ओके गाइस सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, सिवाय बाय बाय।